यात्रा स्थगित कर दी गई है। सभी यात्री अपने अपने जगह पर प्रस्थान करें जहां से आए थे। जेड मोड़ के ऊपर से स्लाइड आ रही है, बहुत बड़ी स्लाइड आ रही है। ओके बचाओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बट एक बैड न्यूज़ है, जैसे आपको पता था रात से मैं एक्साइटेड था बड़ा कि हमने अमरनाथ गुफा के लिए आज यात्रा स्टार्ट करनी है। रात को जैसे हम बालटाल बेस कैंप में ही रुके थे, बट सुबह तीन चार बजे हम लाइन में लगे थे, तो 5:30-6 बजे तक मतलब लाइन वगैरह क्लियर हुई तो हम यात्रा स्टार्ट की हमने। जैसे ही मेन गेट की तरफ पहुँचे तो उधर यात्रा उन्होंने रोक दी, क्योंकि सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी। और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ऊपर शायद लैंडस्लाइड हुई है जिसमें 2 यात्री इंजर्ड हुए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा है तो हम अपने ही टेंट में आ गए, जो रात को हमने लिया था कि हम इधर अब रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर क्या, बट हमें पता है कि अब यात्रा कल सुबह से पहले तो खुलेगी नहीं। कल सुबह भी तब खुलेगी अगर शाम तक बारिश रुक जाती है और जो लैंडस्लाइड हुई है वो रास्ता पूरा क्लियर हो जाता है। तो कपड़े वगैरह सब गीले हो गए, बाल भी आप देख सकते हो अभी तक गीले हैं, और मतलब सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, उससे पहले बट आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो अभी आपको शायद बारिश नहीं दिख रही बट बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ और यात्रा रोक दी गई है। ये देखो ऊपर तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह के हम अपने टेंट में ही सोए थे, बारिश रुक नहीं रही थी तो कहीं बाहर जाना ही नहीं हुआ, बट अब 5:30 हो रहे हैं तो बारिश रुकी है। और आपको व्यू बताता हूँ, जो जो फ्रेश स्नोफॉल हुई है। ये देखो आज कितना रश है, और जो सुबह इतनी लगातार बारिश हुई है उसका नतीजा देख लो। ये फ्रेश स्नोफॉल और ये फ्रेश स्नोफॉल और ये भी फ्रेश स्नोफॉल, मतलब ऊपर ठीक ठाक सर्दी है। और ये देखो ये जो आपको छोटी छोटी गाड़ियां दिख रही है ना, ये रोजिला पास को रास्ता जा रहा है, इसको बोलते हैं जीरो मोड़। देखो हम अपने टेंट में बैठे हुए थे तो ये भैया हमारे पास आए हैं, ये केसर वगैरह बेचने के लिए। चलो इनसे बात करते हैं थोड़ी। कहाँ से आए हो आप? हमें हिमाचल के रहने वाले हैं। तो क्या डलहौजी, क्या क्या बेच रहे हो? हमारे पास में शिलाजीत है, केसर वगैरह है, ठीक है, और कई जड़ी बूटी वगैरह भी होती है हमारे पास में। शरीर के लिए बहुत अच्छी जनरल टॉनिक फार्मूला वगैरह होता है शरीर के लिए। बाकी शिलाजीत वगैरह तो आप जानते होंगे कि एक नेचुरली चीज़ है, पहाड़ी इलाके में पैदा होती है, इधर की लेह की सेट में पेंगोंग झील के पास में। और जो केसर होता है सफरन वगैरह, वो अपने श्रीनगर पामपुर में पैदा होता है, अमिंतापुरा डोडा किश्तवाड़। तो इन चीज़ों को हम बिक्री करते हैं, सेल करते हैं आगे। तो ये हमने भैया से केसर लिया है, पहले चेक किया, ये देखो हमारे हाथ पीले हो गए और पूरे टेंट में फ्रेग्रेंस हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, बारिश रुक नहीं रही है, हम टेंट से बाहर निकल नहीं रहे हैं। डिनर करने गए थे अभी लंगर में और करके वापस आ गए हैं, तो ना कोई आज शॉर्ट्स वगैरह लिए ज़्यादा, ना कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। तो चलो सोते हैं अब, गुड नाइट, कल करते हैं नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत। जय माता दी। रोड से आ रही है, रोड से बिल्कुल ट्रैक।